हेलो कैसे हैं आप? नहीं कैसे हैं? हाय कैसे हो बाबू? अगले से तो थोड़ा सा खड़े रहने के लिए। अरे भाई सही ठीक से आ रहे हैं आप? अच्छा शीश राहुल का वेट करें? नहीं तो हो गया नहीं आ रहे तब तक टाइम लगेगा। ये लोग देर घंटे से वेट कर रहे हैं। ओह चलो ठीक है उनके साथ भी तो करना पड़ेगा। राजू भाई को पूछो। आइए प्लीज। हां आइए मैं नहीं रुका मैं पूछो कितना नंबर आऊं। ओह गाइस सनी विल बी हियर इन अबाउट 10 टू 15 मिनट्स। आप उनका वेट करेंगे या शुरू करें? आर यू श्योर? वो क्या बेटर रहेगा? पुलिस पूरी यूनिट के साथ रहेगी। ही जस्ट गोना चेंज। थोड़ी देर चाय वाय पियो ना यार। वही मैं आर यू श्योर? बीच में कैसे करोगे आप आना जाना? चलो ठीक है आपकी जैसे मर्जी। 10 मिनट की तो बात है फिर एक साथ कर सकते हैं। हाँ 10 मिनट है ना? लेकिन एक मिनट 10 मिनट कंफर्म करना। 10 मिनट अभी 10 मिनट ना तो भी कंफर्म कर लीजिए एक बार। क्या शुरू करना है? हाँ या ना? तो बताओ इतना है। एक फिल्म की शुरुआत है सब साथ में रहेंगे बेटर रहेगा। आपका सपोर्ट चाहिएगा ना? कुछ चेंज और मेकअप है इस वजह से टाइम लग रहा है। एसी में बैठे हो चाय वाय पियो क्या तकलीफ का? कौन सा किधर और कहीं जाना है क्या? अच्छा कितने बजे? तो फिर चाय पियो इधर खाना खा लो चाय पिलाओ। अभी आप पूछो इनसे क्या वेट करोगे? हाँ बेटर ना बेटर बेटर बेटर। हाँ हो गया हो गया हो गया हनी भाई अभी तुम आराम करो हो गया। क्या बात बबलू बैठिए ना बबलू।
नाउ ठीक है बैठ जाए कभी शुरू करें राजी सर सर बैठिए बच्चों के बारे थोड़ा बैठ जाए नहीं आप शुरू करो अरे आप शुरू करो राजी जी बेटा खुशी ला मेरी मुकनी टॉप सीक्रेट सर रोमन की रोमन हां चलिए रेडी गुड आफ्टरनून एवरीवन पानी थोड़ा उस तक पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब आए हैं इधर हमारी फिल्म को सजी जी बैठिए हनी भाई आप शुरू करें अच्छा अभी सब साइलेंस एवरीवन प्लीज गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर इट्स मींस अ लॉट टू ऑल ऑफ अस एंड मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमारी फिल्म की शुरुआत है और आज हमारा सेकंड डे है एंड आप लोग सब आए हैं हमारे को ब्लेसिंग्स देने के लिए थैंक यू वेरी मच हमको आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का एनकरेजमेंट हमेशा अच्छा लगता है मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे डायरेक्टर साहब यहाँ बैठे हैं राजीव जी बैठे हैं हमारे प्रोड्यूसर्स यहाँ बैठे हैं अमन जी एंड विजय मेहता एंड हमारे दूसरे मेन मैन उधर हनीफ भाई बैठे हैं और बाकी सारे हमारी जो कास्ट है ओके दे ऑल हियर एंड भाग्यश्री फिल्म बैनर है इनकी पहली फिल्म है तो हम इनको मुबारकबाद देना चाहते हैं ये एक म्यूजिकल रोमांटिक थ्रिलर है एंड इसमें ऑफ कोर्स द गॉर्जियस स्टनिंग ब्यूटीफुल लवली सनी लियोन है एंड पता नहीं मेरे चेहरे से आपको समझ में आया होगा कि मैं कितना एक्साइटेड बाकी अभी मेरे बोलने मैं तो बहुत बोलना चाहता हूँ लेकिन पहले हम अपने डायरेक्टर साहब को देंगे माइक और वो कुछ कहेंगे आपसे हेलो तेरा इंतजार एक म्यूजिकल रोमांटिक थ्रिलर है और ये भाग्यश्री फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड बैनर के जिनके प्रोड्यूसर है मिस्टर विजय मेहता और मिसेस अमन मेहता मैं इनको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने फेक रखे ये फिल्म स्टार्ट की and of course a big thank to Sunny Leone and Arbaaz and all my team Hanif Chhatriwala ji jinhone mujhe is project mein milaya Hanif Noida ji Iqbal bhai Iqbal Suleiman ji jo production designer hai Mudassar Anwar jo mere story writer hai phir Kirti Kaushik Mila Richa Sharma jo one of the Sunny ki sister play kar rahi hai Sudha ji who is playing one of the central character in the film Phil Bani, then Arya Bhakkar, Salil Rahua all playing important characters in the film Gaur Khanza Gaur Khan, he is playing one of the main villain in the film and special thanks to of course Vijay Mehta ji and Aman Mehta ji special thanks to media also media ka to we are always thankful to media I am sorry for the delay because थोड़ा हम लोग short कटे गए थे मेरी गलती थी sorry अभी आपको जिस जिसका इंतजार था तेरा इंतजार आप चाहते हैं कि माइक इनके हाथ में आए थोड़ा डिले करें या थोड़ा अभी दे दें let me give it to her right now Sunny they are all excited to hear from you I don't know about that first of all thank you everybody for coming out today sorry for making you wait we were in the middle of a shot doing something that I've never done before. So I did completely shower, wash my hair, and then come out. I'm so sorry. And we're all really, really excited about this film. It's our second day. And I'm so pushing a new film. And Koshish Karegi, that will make a very, very nice film for all of you to watch. And thank you again for coming. Thank you. आप लोगों को कोई सवाल है तो हाँ हाँ आप शुरू करें हाँ बेसिकली हम गुजरात से फ्रॉम कच्छ और ये मूवी का एक पैशन समझ सकते हैं बिकॉज ऑफ आई एम ग्रेटर सो पहली मूवी है आप लोगों का फुल सपोर्ट चाहिए है और गुजरात के नाम से मोनी जी के नाम से भी आगे बढ़ा है थैंक यू दो वर्ड बोल दीजिए
अमन जी के लिए मैं बोलूँगा, जब मैं फर्स्ट टाइम कच्छ गया था अमन जी और विजय जी को मिलने, तो विजय जी ने मुझे एक चीज़ बोली थी कि राजीव मुझे ये फिल्म, मेरा अपना बैनर खड़ा करना है तो मुझे एक अच्छी फिल्म बनानी है, तो मुझे वो उनकी बात अच्छी लगी थी। और अमन जी बहुत क्रिएटिव प्रोड्यूसर है, मुझे हमेशा सजेशन देते रहती है व्हाट्सएप पे, उनके मैसेज आते रहते हैं ये कॉस्ट्यूम पहना इस तरह से करो, तो मुझे वो सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। विजय भाई मुझे लगता है अगर ये फिल्म अच्छी बन तो जाएगी, लेकिन अगर ये फिल्म प्रॉपरली हिट हो गई तो विजय भाई विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर बिकॉज ऑफ हिज पैशन। और मैंने उनका पूरा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट देखे, फार्म हाउसेज देखे, उनको बहुत शौक है, फिर भी वो शौक नहीं बना रहे बिजनेस के लिए। थैंक यू। उससे मेरे थोड़े से पागल हो जाएंगे लेकिन आप लोग कुछ सवाल पूछ रहे हैं। Anybody? Oh, Bali, Batamina. We meet every week. You can ask me those questions and ask me about the movie. ये फिल्म, हेलो, ये स्क्रिप्ट है ना, ये एक म्यूजिकल रोमांटिक थ्रिलर है और इस स्क्रिप्ट में आप हर 5 मिनट के बाद आपको झटके नहीं मिलेंगे, ट्विस्ट नहीं मिलेंगे और ये 2 घंटे तक चलते रहेगा। एंड सनी इज प्लेइंग अ वेरी डिफरेंट रोल इन द फिल्म लाइक, एंड शी इज वेरी पैशनेट अबाउट द स्क्रिप्ट, राइट सनी? एंड शी इज वर्किंग वेरी हार्ड ऑन द स्क्रिप्ट, सेम विद अरबाज, ही इज रियली वर्किंग आउट ऑफ द स्क्रिप्ट, एंड यू विल सी अ डिफरेंट सनी एंड अरबाज इन तेरा इंतजार। वो जब मैंने हम लोग ने जब स्क्रिप्ट लिखा, अनवर मेरे स्टोरी राइटर वहाँ बैठे थे, जब मैंने अनवर ने स्क्रिप्ट पे 4 महीने लगाया, करेक्ट अनवर? डे नाइट बैठ के हम लोग ने काम किया। तो जब फर्स्ट टाइम जब मैंने लाइन्स की क्रिएट की थी, स्टोरी लाइन, तो मैंने अमन जी, हनीफ नोएडा जी है, इकबाल भाई, विजल भाई, तो मेरे दिमाग में कोई और आर्टिस्ट था बिकॉज बहुत परफॉर्मेंस बेस्ड रोल था। तो मेरे प्रोड्यूसर्स ने, अमन जी ने मुझे बोला और हनीफ भाई ने और इन लोग सब ने बोला कि हमें सनी चाहिए। तो मैंने बोला आर यू श्योर सनी के साथ ये फिल्म करनी है, बिकॉज ये डिफरेंट जॉनर की फिल्म थी, इमोशनल बेस्ड फिल्म थी। तो मैंने बोला सनी के साथ करना है, तो बोला उन्होंने बोला हमें सनी भी होनी चाहिए। मैंने बोला ठीक है, अभी ये सनी के साथ कर गया एंड सनी विल बी सरप्राइज इन द फिल्म। और कुछ जी, वेल यू आर राइट, मैंने अपनी पहली फिल्म दरार की थी, दरार में एक थोड़ा सा एक वो भी एक रोमांटिक थ्रिलर ही थी, एक किस्म की थोड़ी सी ज़्यादा वायलेंट फिल्म थी, मतलब मेरा कैरेक्टर थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर था इसके अंदर, इतना मतलब नेगेटिव कैरेक्टर नहीं, बट ये एक थ्रिलर फिल्म जॉनर में, एक थ्रिलर फिल्म की जो बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि थोड़ा सा उसकी जो कहानी अलग होनी चाहिए, उसके अंदर जो ट्विस्ट एंड टर्न्स होने चाहिए वो इतने प्रिडिक्टेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक मिस्ट्री फिल्म के अंदर हमेशा कुछ ऐसा होना चाहिए जो एक ऑडियंस को नया लगे, कुछ वो गेस नहीं कर पाए कुछ चीज़ें। और ज़्यादातर अगर आप नोटिस करोगे कोई भी रोमांटिक कोई भी थ्रिलर फिल्म होती है उसके अंदर म्यूज़िक और हल्का सा रोमांस होना बहुत ज़रूरी है। तो आप सारी मुकेश भट्ट और महेश भट्ट की फिल्में भी आप देख लो जो काफ़ी एक रोमांटिक थ्रिलर्स बनाते हैं, उनके गाने बड़े अच्छे होते हैं। कचवुड हमारी फिल्म के अंदर भी वही स्कोप है, जैसे उन्होंने कहा कि रोमांटिक थ्रिलर, पहले उन्होंने रोमांटिक म्यूजिकल बात किया था एंड देन ही सेड इट्स अ थ्रिलर एंड अ सस्पेंसफुल। तो वी हैव गॉट फॉर्चुनेटली वेरी गुड म्यूजिक, इनफैक्ट हमारी पहले दिन का जो काम है वो एक गाने से ही शूट कर रहे हैं हम, बिकॉज वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट आवर म्यूजिक एंड द सॉन्ग्स आर वेरी गुड। तो एक हर फिल्म का जो एक USP होता है हमारी फिल्म के अंदर, एक गाने हमारे बड़े अच्छे हैं, राइट? किस बारे में? राजू भाई, जैसे आपने बोला कि मैडम गुजरात से बिलोंग करती है और उन्होंने, मैम ने बोला कि कुछ कुछ आपको सजेशन दिया, तो मैडम ने लोकेशन के रिलेटेड आपको कुछ सजेशन दिया? नहीं, आप सरप्राइज हो जाएंगे, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट के बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ें कॉस्ट्यूम्स के बारे में, बहुत सारे सीन्स, राजीव भाई इसको ऐसा करते हैं और उनके रेगुलर मुझे डिज़ाइन के बहुत सारे रेफरेंस मिले। आई एम वेरी ऑनेस्ट जो है वो तरक अमन जी,
और उनका कंटिन्यूसली चलते रहता है, रोज एक मैसेज आएगा, राजीव सभी को भी क्वेश्चन देते हैं इस तरह का। इनफैक्ट ये जो टाइटल जो आज हम लोग ट्रैक शूट कर रहे हैं वो आइडिया भी अमन जी का था कि इस थॉट पे हम लोग आना। तो फिर उसके बाद शब्बीर है ने आज राज का है, राज है सॉरी राज आसू ने इस फिल्म को म्यूजिक दिया है और शब्बीर अहमद लिरिसिस्ट है एंड आई सपोज दिस हैज वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक जी। यार अभी आप फिल्म भी देखो थोड़ा सा, सब यही बता देंगे आपको कहानी किसको किसका इंतजार है, टाइटल ही रिवील कर देंगे तो क्या मतलब है। No, you can answer that question. Can you ask a question? Hindi mein. Hindi mein bolo. Question kya tha? Jo matlab jo time intezar hota hai, kisne kuch bhi time kiya hai, to wo time ke andar koi aadmi pahunch pate hai nahi pahunchte, jo ghadi nikalni padti hai, to kitni mushkil rehti hai wo time. I was like, aapne ye film ke किसी का इंतज़ार है और वो वक्त कैसे निकालना है, कुछ हद तक इसके अंदर है वो सच्चाई कि एक टाइम तेरा इंतज़ार और वो एक टाइम फ्रेम के अंदर कोई चीज़ होनी है, वो हमारी फिल्म के अंदर सस्पेंस है क्योंकि कोई भी चीज़ या तो समय से पहले होती है या समय के बाद होती है तो उसमें गड़बड़ होती है, राइट। हर चीज़ का ज़िंदगी में कहते ना इट हैज़ टू हैपन एट द राइट टाइम, सो ऐसा ही कुछ है। तो इसमें एक सिचुएशन है जहाँ चीज़ें सही टाइम पे होनी चाहिए तब जाके वो चीज़ सक्सेसफुल होगी, तो वो फिल्म का स्ट्रेस या जो सस्पेंस है वो वहाँ है। ठीक है, कुछ ठीक है Thank you very much. I was going to ask you. They look like they're going to ask you 20 questions. But if they want to ask you, they don't have to. Madam. They get too scared to ask questions. अरबाज भाई, अरबाज सर।